वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा इंटीग्रेटेड रेट ला फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कई डिफरेंट इक्वेशन आती हैं बेटा, कभी सी नोट लेते हैं, कभी आर नोट, कभी स्मॉल ए, कभी ए माइनस एक्स, कभी आर वन, कभी आर टू एक्सेट्रा बेटा। आज का हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ बेटे, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ पीरियड अपने सिलेबस में, क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट ला जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, तो हाफ लाइफ पीरियड भी जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए है बेटा। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटे हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। हाफ लाइफ पीरियड बेटे, हाफ लाइफ भी कह देते हैं, हाफ लाइफ टाइम भी कह देते हैं इसको बेटा। टी वन बाई टू से लिखते हैं बेटे, 0.5 बेटे, एक ही बात है। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है बेटा, इट इज द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट है बेटा, ऑफ ए रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू लिखो, डिक्रीज टू लिखो, लोअर टू लिखो, डिप्रेस टू लिखो, इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड बेटा। तो हाफ लाइफ पीरियड वह समय है जिसमें एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रह जाती है बेटा। देखो सिलेबस में हाफ लाइफ पीरियड का जिक्र है बेटा, लेकिन कभी डेफिनेशन आ जाए डिफाइन थर्ड फोर्थ पीरियड तो बिल्कुल नहीं घबराना। इट इज द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। 1 आपकी जगह 3/4 आ जाएगा, 4/5 है तो 1 आपकी जगह 4/5 आ जाएगा, 1/3 डिफाइन थर्ड हाफ लाइफ पीरियड, 1/3 जो भी है तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 ऑफ इट्स, 1/4 ऑफ इट्स, 1/n बेटा, 1/n वेयर स्मॉल n है 1 से ज्यादा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बेटा, मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, इतना थोड़ा ध्यान है बेटा बस। 1 आपकी जगह जो भी पूछ रखा है वही लिख देना बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पहले हम बात करेंगे बेटा हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटे, फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक क्या बात हो है बेटा, तो ध्यान से देखना बेटा। हम क्या जानते हैं, हम तो अब तक जानते हैं बेटा टी बराबर है आर नोट माइनस आर कंसंट्रेशन है फाइनल बेटे अपॉन बेटा के, इक्वेशन 1 मान लो बेटा, एट बेटे या वैन कह दो बेटे, एट ए टी जीरो है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, ध्यान से देखना बेटा, 1/2 ऑफ गुणा होता है बेटा ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा ऑफ रिएक्टेंट। तो 1 को आर नोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर नोट आएगा, तो R बराबर है R नोट बाई 2 बेटा, ये बायो वाले बच्चों के लिए समझाने के लिए था बेटा, सीधा ही लिख देते हैं आप R नोट बाई 2। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ दिस T एंड R इन इक्वेशन 1 वी हैव। तो देखो बेटे T की जगह तो क्या लिखो, जब टाइम T हाफ होता है, सॉरी भाई, जब टाइम T हाफ होता है बेटा, वेरी वेरी सॉरी बेटा, क्योंकि जब टाइम T जीरो होगा तो R R नोट होगा बेटा,
तो जब टाइम टी टी ऑफ होगा तो आर ई हो जाएगा बेटा, तो टी की जगह तो बेटे टी ऑफ लिखो, आर नोट की जगह आर नोट ई लिखेंगे, आर की जगह क्या लिखेंगे आर नोट बाई टू बेटा, और अपॉन के है ये बेटा। तो इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे बेटा तो ये टी आर बराबर आ जाएगा टू आर नोट बेटा, टू आर नोट माइनस आर बेटा अपॉन बेटा टू, तो टू टू से टू कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, ये टू आर नोट में से ये आएगा आर नोट बाई टू के, आर नोट बाई टू के बेटा, क्योंकि टू आर नोट में से एक आर नोट गया तो बेटा क्या बच गया आर नोट ही बच गया, तो आर नोट बाई टू के बेटा। तो ये अपने पास छोटी सी इक्वेशन आ गई बेटे हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ड्रॉप रिएक्शन। तो इससे क्या पता लगता है बेटा, हाफ लाइफ पीरियड आर नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और के क्या है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। दिस इज, तो यहाँ ग्राफ की अपन बात करें बेटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, यहाँ तो अपन टी आप लिख दें बेटा और यहाँ लिख दें आर नोट बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर नोट लिख दो बेटा, तो ये बेटे एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटे, बिल्कुल बेटे। और टी आफ और के की बात करें बेटा तो ऐसे आएगा भाई, ये टी आ बेटा और ये के, तो ऐसे आएगा बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। तो आर नोट की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, टी आप बता देंगे टी आप की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू आर नोट बता देंगे बेटा, टी आप की वैल्यू आर नोट की वैल्यू गिवन है के बता देंगे, न्यूमेरिकल मानता है कोई बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ओके बेटा, तो नेक्स्ट है बेटा टी आफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा। अब बात करते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके बेटा, तो हम क्या जानते हैं बेटा, T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नोट बाई आर बेटा, ये एक इक्वेशन है बेटा अपने पास छोटी सी बेटा, इतना हम जानते हैं बेटा। तो जब टाइम टी टी ऑफ होगा तो आर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आर नोट, और आर हो जाएगा आर नोट बाई टू बेटा। ये वैल्यू पुट करो बेटा, देखो बेटा अब टी की जगह टी आप 2.303 बेटा के कांस्टेंट है लोग आर नोट, तो ऐसा कैसे लिखा जाएगा बेटा, और आर की जगह आ जाएगा आर नोट बाई टू बेटा। ओके बेटा, तो अगले स्टेप में टू न्यूमिनेटर में चला जाएगा, आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा बेटा। आप दिखाना चाहें तो मोस्ट वेलकम बेटा, तो ये 2.303 अपॉन के बेटा और लॉग बेटा आर नोट बाई आर बेटा, आर नोट बाई आर नोट बेटा इंटू टू, तो इससे कैंसिल हो लॉग टू की वैल्यू, तो टी ऑफ आ जाएगा बेटा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन के बेटा और लॉग टू बाई। अब लॉग टू की वैल्यू क्या होती है 0.3010, तो टी हाफ देखो बेटे ध्यान से, अभी लो बेटा तो अपने पास इक्वेशन है बेटा टी हाफ बराबर है 2.303 बाई के बेटा और लॉग टू बेटा, ये है बेटा। अब लॉग टू की वैल्यू हमें पता है बेटा 2.303 के इंटू 0.3010 बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तो ये आएगा 0.693 बाई के। तो ये है बेटे हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इससे क्या पता लगता है बेटा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिकॉज इन इक्वेशन ऑफ ए हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर नोट इज एब्सेंट। इक्वेशन में आर नोट है ही नहीं बेटा, जब है नहीं तो उस पर डिपेंड कैसे करेगी, जब आज एक बच्चा आया ही नहीं तो वो शरारत कैसे करेगा बेटा, है ही नहीं आज वो बच्चा, तो आज और ही किसी ने शरारत की बेटा, उस बच्चे ने नहीं किया समझाने के लिए बेटा। तो इससे क्या पता लगता है बेटा कि टी आप है वो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा,
तो ऐसे बेटा ये टी हाफ है और ये के है, रेट कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, टी हाफ की वैल्यू के से मापेंगे बेटा और के की वैल्यू टी हाफ से बेटा। तो कभी क्वेश्चन आ जाए प्रूव दैट हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट और डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो बेटा ये डेरिवेशन बेटे लास्ट में ये लिख देंगे बेटा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक जनरल इक्वेशन की बात की जाए बेटा तो ऐसा है बेटा, टी हाफ है वो आर नोट वन माइनस एन बेटा। ये इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दो, बुक में नहीं लिख रखा बेटा ये, वेर एन क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटे, जहाँ एन है एंथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन की जगह आपकी मर्जी बेटे, और आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्शन, टी ऑफ हाफ लाइफ पीरियड है। इफ बेटा एन की जगह यदि हम वन लिखें बेटा तो टी ऑफ क्या हो जाएगा, आर नोट पावर जीरो बेटा, एज एनी क्वांटिटी रेज टू पावर जीरो इज यूनिटी होती है बेटा। इसका मतलब टी हाफ है इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट बेटा ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बेटा, इससे ये पता लगता है बेटा। और इफ बेटे एन जीरो है तो टी ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, आर नोट वन माइनस जीरो बेटा, यानी टी ऑफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बेटा। यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो टी ऑफ कांस्टेंट होता है, इसके लिए आर नोट पे की डायरेक्टली है। और यदि बेटे क्या हो एन की जगह हम टू लिख दें बेटे तो थोड़ा सा ध्यान दें बेटा, तो टी ऑफ क्या हो जाएगा, आर नोट वन माइनस टू बेटा, तो टी ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, आर नोट पावर माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, टी हाफ है वो आर नोट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटे। और अगर ये ऑर्डर में थर्ड ऑर्डर के लिए स्क्वेयर हो जाएगा बेटे, फिर क्यूब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए बेटा। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है ना बेटे, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा। ये कह रहे हैं बेटा कि इफ एन टू है बेटा तो टी आप क्या हो जाएगा, आर नोट बेटा और वन माइनस एन की जगह टू आ जाएगा बेटा, तो टी हाफ है वो आर नोट पावर बेटा माइनस वन, और बेटा टी हाफ हो जाएगा बेटा आर नोट वन बाई आर नोट बेटा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर के लिए यहाँ स्क्वेयर आ जाएगा, फोर्थ के लिए क्यूब आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। एक एवरेज लाइफ पीरियड भी होता है, अपने जिक्र नहीं है बेटा, बाई चांस कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लें बेटा, एवरेज लाइफ पीरियड बेटा, ए वी ई आर ए जी ई, एवरेज लाइफ पीरियड, एवरेज लाइफ भी बोल देते हैं, एवरेज लाइफ पीरियड बेटे टॉर्क से लिखते हैं बेटे, टॉर्क बेटे टाऊ। तो ये क्या होता है बेटा, तो ये इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बेटा, ये रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। जैसे हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो के हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ बेटा, और टॉर्क हो जाएगा बेटा टी हाफ अपॉन बेटा 0.693 बेटा। तो एवरेज लाइफ पीरियड होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेट कांस्टेंट। कई बार गलती से जैसे इंटरनेट नेट पर हम देखते हैं बेटा तो वहाँ लिखा मिलेगा इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, वो गलत है बेटा, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ या इनवर्स ऑफ रेट कांस्टेंट बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।